हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? चलिए, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि केमिस्ट्री में कैसे आप जो है मैक्सिमम स्कोर ले पाएँ। तो कोई भी बच्चा जो जेई या नीट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11th और टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनका पढ़ने का करेक्ट सिक्वेंस क्या होना चाहिए, और हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट सब टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सारे टॉपिक सब टॉपिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा, इससे डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले जो है इस चीज़ में आगे बढ़ता हूँ, और देखिए जहाँ तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात है, तो केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर बच्चों के केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स और मैथ से ज़्यादा आते हैं। अब यदि आपके साथ ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में आपका स्कोर कम आता है फिजिक्स और मैथ से, तो इसका मतलब ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपके कम मार्क्स आएँ, यानी दोनों सब्जेक्ट से आपके ज़्यादा मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिवली जो है कम मेहनत पर भी ज़्यादा स्कोर देने की काबिलियत रखता है। तो केमिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका आप यकीन मानिए, क्योंकि मैंने कई बच्चों का स्कोर ऐसा देखा है जो जेई में सेलेक्ट हुए हैं कि उनके ज़्यादातर बच्चों के केमिस्ट्री में स्कोर ज़्यादा था फिजिक्स और मैथ की तुलना में। कई एग्जांपल मैंने ऐसे देखे कि फिजिक्स और मैथ के टोटल से ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आ गए। तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, और ये आपका बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके केमिस्ट्री में कम नंबर आते हैं तो सावधान हो जाइए, और केमिस्ट्री में इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा भी अगर मेहनत करे इस सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट आपको नंबर देने वाला सब्जेक्ट है डेफिनेटली। तो मैं जो है तीन से इनके सेक्शन है तीन केमिस्ट्री के, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री मोर ओवर इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, तो इसमें बच्चों को न्यूमेरिकल करने होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ठीक, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, पोर्शन है, सेक्शन इसका, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप शुरू के दो चैप्टर अच्छे तरीके से कर लो, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यानी कि ज़्यादातर पार्ट तो इसमें फैक्चुअल है, याद करना पड़ता है, रिडॉक्स रिएक्शंस याद करनी होती है, लेकिन इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में छुपा हुआ है। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे करें। अब तीसरा सेक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें याद करने का भी है और साथ में कंसेप्चुअल ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना, कि मैकेनिज्म वगैरह आपको पढ़नी पड़ती है, तो ये आपका समझने वाला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में हमारी करेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर लाने के लिए दो पॉइंट पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि लर्न मोर, और सेकेंड पॉइंट है डू रिविजन। मैं बारी से बताता हूँ, बारी बारी से इसको। लर्न मोर का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, यानी जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसको आप याद करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीधा फैक्चुअल बेस्ड आती है, जैसे बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर याद करने होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है केमिस्ट्री में वो मैं बता दूँ, तो आपको स्ट्रक्चर याद करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप याद करने वाले सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपको याद करना होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस आपको याद करनी होती है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो याद करने की है। और याद करने वाली चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि भाई जितना ज़्यादा आप बार पढ़ सको, ठीक है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट मेमोराइज करने पर जोर देना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है डू रिविज़न। केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस के लिए रिविज़न बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि बच्चों को एक बार समझ में आ गया, ठीक, छः महीने बाद वो दोबारा देख रहा है, छः महीने बाद वो ज़्यादा का चीज़ें भूल चुका है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अंतर यही है कि अगर आपने फिजिक्स या मैथ में कोई चीज़ सीख ली है, हो सकता है छः महीने बाद भी आप उस प्रोसीजर को अप्लाई कर दो, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोराइज करने वाली है, और हो सकता है छः महीने तक आप भूल जाओ। तो एक अच्छा बच्चा भी जो है इसमें अगर रिविज़न नहीं कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो सकता है। तो रिविज़न बहुत ज़रूरी है, निरंतर रिविज़न करते रहें, इसमें शॉर्ट नोट्स बना के रखें और उनको बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, वैसे मेरी सलाह यह है कि आप पूरी जो नोट्स हैं आपके, इनका पूरा पूरा रिवीजन करें। तो रिवीजन आपको रैंक बूस्टर का काम करेगा, रैंक आपकी अच्छी करेगा, सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस लाएगा।
तो केमिस्ट्री में मेन जो की वर्ड है ना वो है रिविजन। जितनी ज़्यादा बार आपने पढ़ा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसमें आपको आने वाला है। तो केमिस्ट्री का मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है कि रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करनी होती है। भले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी हो लेकिन रिविजन अच्छा किया हो तो आपके पास फैक्ट हैं। कुछ चीज़ें जैसे कलर आपको याद करना है, कलर आपको पता है, अगर मान लो कलर आपको पता है कि इस कंपाउंड का कलर येलो होता है, याद है तो आप एग्जाम में सीधा टिक करोगे, नहीं याद है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो रिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू स्कोर मोर इन द केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लास 11 सिलेबस। तो मैं बारी बारी से ये जो नंबर वाइज में टॉपिक ले रहा हूँ ये आप सीक्वेंस समझिएगा। जब हम क्लास 11th में पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इज जस्ट अ मैथमेटिकल चैप्टर, ठीक है। ये एक बैकबोन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कि इसमें टूल्स आपके पास है, मैथमेटिकल टूल्स हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये प्राइमरी चैप्टर है हमारा मोल कंसेप्ट। इसमें अब मैं बात करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सब टॉपिक लिखूंगा, आप कोशिश कीजिए कि इन सब टॉपिक पे आपका कमांड हो, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करके जाएं। देखिए मेरा मकसद कहते ये बताना नहीं है कि आप केवल ये टॉपिक करें, सब टॉपिक करें, मेरा मकसद ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको आप ध्यान दें कि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सभी से है तो हम ये दिमाग में ना बिठाएं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये सब टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमें बताया गया है, ठीक। तो मैं सबसे पहला टॉपिक जो बोलूँगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में आपको क्वेश्चन आता है परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा और प्रोडक्ट के मोल्स निकालने होंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन सबसे ज़्यादा बार यहीं से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, कि मोलारिटी गिवन है, इससे आप मोलालिटी निकालिए, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो ये आप तीन टॉपिक में बहुत ढंग से कमांड करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इक्वेशन आती है उससे बेस्ट सिंपल क्वेश्चन होता है। दूसरा है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में आपको रेडियस की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन और एनर्जी की कैलकुलेशन के फार्मूले याद रखने हैं, उन पे क्वेश्चन आता है। तीसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में आपके वेवलेंथ पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इसमें कितनी लाइन्स है, मैक्सिमम लाइन्स कितनी है, ठीक है, ये सब आपसे स्पेक्ट्रम के अंतर्गत पूछा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं। चौथा है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के बाद क्वांटम नंबर्स आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स बताइए, इस तरह के क्वेश्चन जो है जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। श्रोडिंगर मॉडल, ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। श्रोडिंगर मॉडल में आपको जो है इसकी इक्वेशन और उसके अलावा आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड जो है वो जानने होते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में चार प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनका आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ट्रेंड ध्यान रखना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस आपको ढंग से जो है इसमें ध्यान रखने हैं और एक्सेप्शंस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस में आप एटॉमिक रेडियस में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास कुछ रूल्स हैं कि आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं पीरियडिक टेबल में। तो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेंथेनाइट जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, बोरोन और इसका एल्यूमिनियम और गैलियम का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं एक्सेप्शन वाले, ठीक। इसके बाद चौथा चैप्टर हमारा गैसीयस स्टेट। गैसीयस स्टेट में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ, ठीक है, जिसमें पार्शियल प्रेशर वाला सम करते हैं हम। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद रियल गैस में वांडरवाल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपसे ए और बी कॉन्स्टेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंप्रेसिबिलिटी वर्सेस प्रेशर का कर्व, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो जेड का कर्व वर्सेस प्रेशर का कर्व, ठीक है, वो कर्व जो है आपको ध्यान रखना है, उसकी इंटरप्रिटेशन ध्यान रखनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस,
किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनके फार्मूले आपको ध्यान रखने होते हैं। अब मैं मोल का ही दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यह है इक्विवेलेंट कंसेप्ट टॉपिक, मोल टू के नाम से भी अपन जान सकते हैं। इसमें पहली इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, ठीक है, तो रिडॉक्स का बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टाइट्रेशन पढ़ाई जाती है इसके में मेनली, KMnO4 परमैंगनेट टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो तीनों टाइट्रेशन पे आपको ध्यान रखना है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, 6th नंबर का चैप्टर है, मैं प्रायोरिटी वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आपके क्या चीज़ें आती है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या हुआ, किधर शिफ्ट की रिएक्शन, प्रेशर बढ़ाया तो किधर शिफ्ट की, वॉल्यूम बढ़ाया तो किधर शिफ्ट की, तो इसमें भी दो पार्ट हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पे और एक केमिकल इक्विलिब्रियम पे। तो ये दोनों ही पोर्शन आपको ढंग से पढ़ना है, ली चैटेलियर वाले सब ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी इसी से है। इसी में टेम्परेचर वाला इफेक्ट भी आता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, नेगेटिव है तो किधर जाएगा। तीसरा पोर्शन है एडवांस के हिसाब से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, दो रिएक्शन एक साथ चल रही हो एक ही कंटेनर में, तो दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसके बाद एक बड़ा चैप्टर है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में कई सारे पोर्शन है इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वीक एसिड की प्रॉब्लम्स, कि वीक एसिड का अल्फा पीएच कैलकुलेशन, दो वीक एसिड मिला दिए तो क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और भी है सेक्शन इसमें, पर मैं इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो आया है वो है सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन, यानी सॉल्ट पहचानना होता है और पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का सॉल्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को ढंग से पढ़े हुए हैं तो टाइट्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादातर टाइट्रेशन से पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइट्रेशन। इसमें ये टाइट्रेशन है कि अगर NaOH 100 ml है तो इसमें 200 ml HCl मिलाने पर pH क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के लिए आपको एसिड और बेस के जो क्वेश्चंस हैं उन पे अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए, सॉल्ट के क्वेश्चन, बफर के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बफर सॉल्यूशन से, तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक बफर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन बन सकता है, दो सॉल्ट को एक साथ मिक्स करें तो वो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर से। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं प्रायोरिटी वाइज, तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप डिराइव करते हैं, वर्क का फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया तो वहाँ से वर्क निकाल सकता है ये, तो एडियाबेटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी में जो है एंट्रोपी में हम सिस्टम और सराउंडिंग की कैलकुलेशन करते हैं और इसमें डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक फार्मूला होता है, आइसोथर्मल में एंट्रोपी की कैलकुलेशन, आइसोबारिक में, तो ये सब पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको अगर दो चीज़ों पर आपने कमांड कर ली तो फिर समझो थर्मोकेमिस्ट्री आपको आ गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दो बहुत ध्यान से पढ़ना है। मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, बॉम कैलोरीमीटर से आ सकता है, बॉन्ड एंथैल्पी पे बेस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग अच्छे तरीके से करी हुई है, ठीक है, तो उसमें अब एस ब्लॉक बोरोन एंड कार्बन फैमिली, अब मैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जो है जब आप इनसे प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग को आपको कहाँ रखना है प्रायोरिटी वाइज, पीरियोडिक टेबल के बाद, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है यहाँ से हमारा फोर्थ नंबर अगर आप माने तो पीरियोडिक टेबल के बाद आप बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक। बॉन्डिंग में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, बॉन्डिंग में आपको सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन ढंग से सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन और उसके साथ कंपाउंड का शेप क्या होगा। तो बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप स्ट्रक्चर याद कीजिए, पहला पॉइंट, उसके बाद आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को जो है सीखिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आप यहाँ से जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग में मैं बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ये फोन ले, तो बॉन्डिंग में जो हमारा मेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉन्डिंग जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा,
कि आप स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, क्योंकि स्ट्रक्चर पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, ये दोनों पे कमांड होगी तो बॉन्डिंग आपका लगभग तकरीबन हो गया। तो पहला पार्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरा पार्ट आप करने वाला है एमओटी थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, डाइपोल मूवमेंट की कैलकुलेशन। और चौथा टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो चौथा टॉपिक आपका फजान रूल। तो मैंने चार चीज़ें बताई केमिकल बॉन्डिंग में कमांड करने के लिए आपको। पहली चीज़ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, एमओटी थ्योरी ढंग से करनी है। तीसरा पॉइंट है आपका डाइपोल मूवमेंट, और तीसरा फजान्स रूल। मिसलेनियस टॉपिक बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक। तो ये जो मिसिंग था यहाँ पे वो मैंने बता दिया आपको। तो जब आपने पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग पढ़ लिया तो उसके बाद आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक बोरोन एंड कार्बन फैमिली। सबसे पहला काम तो एनसीईआरटी से पढ़ना इनको चालू कर दें। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एस ब्लॉक और बोरोन एंड कार्बन फैमिली में कुछ पार्ट लॉजिकल होता है जो कि हम पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं। तो दोनों चैप्टर आपने अच्छे कर लिए तो कंसेप्चुअल पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। रिमेनिंग पार्ट आपका रिडॉक्स होगा जो कि याद करने वाला है। तो रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी कुछ इन चैप्टर्स में, ठीक है। तो मेरी सलाह यह है कि पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही ब्लॉक्स के ऊपर हम जाने वाले हैं, ठीक। ये था 11th क्लास के टॉपिक का सीक्वेंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स फॉर क्लास 12th सिलेबस। तो क्लास 12th में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू जो फार्मूला है ZM अपॉन NA वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी में बेस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेंसिटी वाले फार्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद वॉइड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राइडल, ऑक्टाइडल, इनका रेडियस रेशियो, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा है, और इसमें जो है वॉइड्स के बारे में बात करें तो FCC में टेट्राइडल वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाइडल वॉइड्स कितने होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस। डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस के हिसाब से। जैसे NaCl स्ट्रक्चर है, टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसमें Z कितना होता है, ठीक है, डेंसिटी कितना यूज़ करना है, Z कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें, कितने नियरेस्ट नेबर हैं, एक Na+ के आसपास कितने सराउंडिंग Cl- है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक Cl- के आसपास कितने Na+ है। तो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे ZnS है, ठीक है, इसके बाद जो है आपके NaCl आ गया, डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अलावा CaBr2 का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपको है ना, Na2O का स्ट्रक्चर है, तो ये आपको याद रखने हैं इनके कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक। सेकेंड पोर्शन हमारा, सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें चार प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चारों इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप बोलो पहले नंबर पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके एग्जांपल के ऊपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ के ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, राउल्स लो यूज़ करते हुए दो वोलेटाइल लिक्विड अगर हम मिक्स करें तो उनमें टोटल प्रेशर क्या होगा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन लिक्विड में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वेपर में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, जो कि आपके रेडियो एक्टिविटी में भी काम आएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर ढंग से पढ़ना है, उसमें हाफ लाइफ, T3/4, ये सब के बारे में ढंग से नॉलेज रखनी है, ये वाला। रेट ऑर्डर में कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए इनिशियल रेट मेथड से, कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, इनिशियल रेट दे दिया एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू A and B, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एन एस इक्वेशन है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला है, के पर टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो के और टी की जो इक्वेशन है वो याद करनी है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे हमें इक्वेशन लिखनी है, कैसे हमें मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन आते हैं कि मोलिकुलरिटी डिफाइन है या नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ इसी का एक पार्ट है सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इसी में एक पार्ट है कि रेट कैसे मालूम की जाती है, ये वाला पार्ट। रेडियो एक्टिविटी छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर के रिजल्ट ही अप्लाई करने होते हैं। इसमें सोडी डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, कि एक प्रोटॉन निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो फिर ये एलिमेंट किस में बदल गया, ठीक है।
तो अल्फा पार्टिकल निकलने पे जो है वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है कि किसी फॉसिल जो सैंपल है उसकी एज हमें मालूम करनी होती है कार्बन 14 आइसोटॉप्स को देख के। एज ऑफ रॉक मालूम करते हैं यूरेनियम और लेड को देखकर, और बाइंडिंग एनर्जी कि किसी एटम में जो है बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, मास डिफेक्ट वगैरह इसके अंदर आता है। तो रेडियो एक्टिविटी आपका एक इंपॉर्टेंट, इसमें ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे ई नोट सेल पूछा जा सकता है, ई सेल पूछा जा सकता है। तो नर्स्ट इक्वेशन में आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना होता है, ई नोट सेल निकालना होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ई निकाला जाता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो इसमें आपसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बेस एक बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कि दो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, अब ई सेल निकालिए, ई नोट सेल निकालिए। कॉन्सेंट्रेशन सेल है आपका, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद दूसरा पोर्शन इसमें है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे अगर हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो कैथोड पे क्या जमा होगा, एनोड पे क्या जमा होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी। मोर ओवर इट इज फैक्चुअल पार्ट कि कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन भर दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है, तो हमें एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, ये फैक्चुअल रिजल्ट है जो आपको याद करने होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज होता है फेराडेस लॉ में, तो फेराडे लॉ कंबाइन कर देता है, इक्वेशन होती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कैथोड पर इतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कितना एलिमेंट जमा होगा या डिस्चार्ज होगा, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक मोलर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक है, कंडक्शन वाला टॉपिक, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन पर छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये छोटे छोटे फार्मूले बेस क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शुरुआती लेवल पर कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब छोटे मोटे टॉपिक हैं, वर्नर थ्योरी वगैरह, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें CFT। अब अगेन केमिकल बॉन्डिंग की तरह CFT जो पोर्शन है, इस CFT पोर्शन में आपसे कंपाउंड देकर, एक कॉम्प्लेक्स देकर पूछा जाता है व्हाट इज अ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो CFT अपन पढ़ते हैं ऑक्टाइडल, स्क्वायर प्लेन और टेट्राइडल के लिए, तीनों CFT आपको ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। अगला पोर्शन है आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दो पोर्शन होते हैं, स्टीरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बैक बॉन्डिंग छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है जो इसमें आपको कवर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगला हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी वाइज मेटलर्जी टॉपिक पे। मेटलर्जी में आपसे एक्सट्रैक्शन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन, जैसे कॉपर के डिफरेंट जो ओर्स हैं उनसे एक्सट्रैक्शन का मेथड, ठीक है, जैसे पायराइटीज वाला जो है, आयरन का, ठीक है ना, आयरन का जो हमें मिलता है ओर नेचर में उससे एक्सट्रैक्शन, और मैग्नीशियम। ऐसे तो हमारे पास 7-8 मेटल हैं सिलेबस में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। तो इनके जितने भी ओर हैं और उनसे एक्सट्रैक्शन के मेथड हैं वो सब आपको ढंग से पढ़ने हैं कि यहाँ कौन कौन से सिक्वेंस वाइज हम पार्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद मेटल लेने के बाद प्योरीफिकेशन मेथड इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वान एरकल मोन प्रोसेस, तो सब ज़्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जा गया है। एडवांस के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तो कम क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है एक प्रॉब्लम जो कि बच्चों को बहुत दिमाग लगा के सीखना होता है। तो मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इन सब टॉपिक्स को आप ढूंढेंगे तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वीडियोस, तो उन टॉपिक्स को आप यहाँ से जो कर सकते हैं थ्योरी पार्ट। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करूँ, पूरी तरीके से याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका टेस्टिंग पार्ट है, केटाइन का टेस्टिंग, एनायन का टेस्टिंग, ठीक है। तो केटाइन का टेस्टिंग जो है, हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनायन का टेस्टिंग करने के बाद फिर हम केटाइन टेस्टिंग पे आते हैं, और केटाइन टेस्टिंग में जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं इनके लिए। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है ना, ग्रुप्स के चार्ट हैं, ठीक है, उन चार्ट को जो है चार्ट डालना है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे क्वालिटी एनालिसिस को उतनी बार आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा, याद करने वाला है प्योरली। रिडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारी कलर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और एक सीक्वेंस है कि पहले ये रिएजेंट डाला, फिर ये रिएजेंट डाला, इससे ये गैस निकली, ये प्रेसिपिटेट बना। मोर एवर याद करने का टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक के पीछे पड़ जाएं आप, ठीक। चलिए अगला जो है, हमारे पास ब्लॉक्स आते हैं, डी ब्लॉक,
डी ब्लॉक में आपको K2Cr27 और KMnO4 बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, इनकी रिडॉक्स रिएक्शन, इनके गर्म करने वाले इफेक्ट और डिफरेंट एसिडिक बेसिक मीडियम में ये क्या क्या कन्वर्ट होते हैं। तो डी ब्लॉक में K2Cr27 KMnO4 स्पेशली पढ़ना है बहुत ध्यान से। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज आती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ये सब आप वहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ रिपीट होती है डी ब्लॉक में। हेलोजन एंड नोबल गैस फैमिली में प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, आयनेशन एंथैल्पी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पार्ट में, और बाकी आपको याद करना होता है अलग अलग कंपाउंड के लिए रेडॉक्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो बॉन्डिंग में आप कवर कर चुके होते हैं, पीरियडिक टेबल में कवर कर चुके हैं, और फिर बाद में आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो पढ़नी होती है। तो केमिस्ट्री पढ़ने का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एनसीईआरटी फिनिश कर लें, ठीक है, या फिर टॉपिक के बाद जो है एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग मारे और क्वेश्चन को करना सॉल्व कर दें। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने वही साथ के साथ, ठीक। तो यहीं पर जो है मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।